नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कार के स्टीरियो सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, जो मैंने अपनी कार में सिस्टम लगवाया है स्टीरियो सिस्टम, तो वो मैंने नॉन एंड्रॉयड स्टीरियो सिस्टम लगवाया है, क्योंकि दोस्तों जो एंड्रॉयड और नॉन एंड्रॉयड स्टीरियो सिस्टम होता है उनमें कोई इतना डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि मैं अभी आपको इसके जो फीचर्स हैं वो वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो स्टीरियो सिस्टम है दोस्तों, ये सभी फीचर के साथ आता है। तो इसमें एक तो USB पोर्ट मिलता है, और इसके साथ इसमें जो SD पोर्ट की ऑप्शन भी है, और आप इसमें AUX की केबल भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर साइज़ की बात करें तो इसका 7 इंच का साइज़ है इसका स्टीरियो सिस्टम का। तो दोस्तों, इसकी जो पूरी स्क्रीन है वो टच इनेबल्ड है। तो इसकी दोस्तों वीडियो क्वालिटी की बात करें तो ये फुल HD है इसकी वीडियो क्वालिटी। तो दोस्तों, कॉपीराइट की वजह की होने की वजह से मैं आपको कोई और की वीडियो दिखा नहीं सकता, तो मैं अभी फ़िलहाल आपको यही वीडियो दिखा सकता हूँ। दोस्तों, काफ़ी अच्छी लुक है स्टीरियो सिस्टम की। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप इस जो स्टीरियो सिस्टम है इसमें आपको जो आपकी इसकी साउंड क्वालिटी होती है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ सभी इसके इक्वलाइजर वगैरह मिलते हैं। तो आप यहाँ से जाकर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये USB की ऑप्शन होगी, और अगर आपको इसमें मेमोरी कार्ड करना है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ को भी आप इस अपने जो स्टीरियो सिस्टम है आप इसको ब्लूटूथ के साथ अटैच कर सकते हैं, और यहाँ से जो दोस्तों इसके आप जो कलर वगैरह होते हैं वो सभी चेंज कर सकते हैं, इसकी वॉलपेपर लगा सकते हैं। ऑडियो का इसका प्रॉपर सब मिलता है, इक्वलाइजर वगैरह सेट करने के लिए, बेस ट्रेबल सब सेट करने के लिए। और इसके साथ दोस्तों आप इसके जो कलर्स वगैरह होते हैं, कंट्रास्ट होगी आप सभी वो भी चेंज कर सकते हैं, कंट्रास्ट होगी, सैचुरेशन हो गया, आप सभी कुछ चेंज कर सकते हैं दोस्तों इस स्टीरियो सिस्टम का। और दोस्तों, इस स्टीरियो सिस्टम में एक खासियत है, इसमें जो डी लिंक की ऑप्शन दी गई है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, जो आपका फ़ोन है आप उसको स्टीरियो के साथ लिंक कर सकते हैं। तो जो आपका फ़ोन होगा वो सारा फ़ोन आपका जहाँ स्टीरियो से ही ऑपरेट होगा। जैसे आप गूगल मैप ओपन करते हैं तो वो सारा फ़ोन ही आपका एक तरह से मिरर लिंक बन जाएगा, तो आप सारा फ़ोन अपना यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल में इसके साथ हमको कोई एंड्रॉयड स्टूडियो की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यही सब कुछ आप एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको ये साउंड क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों, मैं इसको लगवाकर पूरा सेटिस्फाई हूँ, मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं है इसके स्टूडियो सिस्टम के साथ। और दोस्तों, यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि इसके साथ 1 ईयर की वारंटी भी आती है स्टीरियो सिस्टम के साथ। और दोस्तों, अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो ये मुझे 3500 में पड़ा था। तो दोस्तों, अगर आप अपना शौक पूरा करना चाहते हैं थोड़े से पैसों में, तो आप इसे ज़रूर लगवा सकते हैं। दोस्तों, वैसे जो चाइनीज़ स्टीरियो हैं, कोई इनकी कोई कंपनी का नाम वगैरह तो कोई नहीं है। तो अगर आप दुकान पर जाएंगे, एक्सेसरी शॉप पर जाएंगे, तो आपको वहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो दोस्तों, इसके साथ इसमें जो कैमरा होता है इसकी भी ऑप्शन है बैक कैमरा अटैच करने की, तो वो भी मैंने अटैच करवाई थी। ये देखिए दोस्तों, बैक कैमरा थोड़ी सी सेटिंग इसकी ठीक करवाने वाली है, ये लाइन इसकी ऊपर जा रही हैं, पर बिल्कुल क्लियर है दोस्तों ये कैमरा भी।
और दोस्तों इसके साथ इसमें रेडियो के भी ऑप्शन हैं और इसके साथ एक रिमोट भी मिलता है, तो आप इसको रिमोट से ऑपरेट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, होप करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।